स्वागत है दोस्तों आपका मेरे नई वीडियो में। मैं शिवम बोलो का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे जो है SDLG का लोडर है, ये हमारे माइंस में चलती है। तो और हमारे साथ जो है ये जावेद भाई हैं, हमारे शिफ्ट के ऑपरेटर हैं। हेलो गाइज। तो बहुत ही अच्छे ऑपरेटर है लोडर के। ताज इनसे हम जानकारी लेंगे कि लोडर कैसे चलाते हैं माइंस में, और लोडर से हम कहाँ कितने दूर तक जा सकते हैं, इसमें स्कोप क्या क्या है, सैलरी क्या क्या है, और भी लोडर के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऑपरेटर हमारे बहुत अच्छे हैं, दुबई मतलब गल्फ रिटर्न ऑपरेटर हैं, मतलब विदेश से घूम कर आ चुके हैं लोडर चलाकर, और अभी यहाँ पर इंडिया में काम कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही अच्छे ऑपरेटर है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोडर कैसे चलाते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको भी लोडर चलाना है, सीखना है माइंस में कैसे लोडर चलाना है, तो आप जावेद भाई के साथ बने रहे, वीडियो पे शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हमारे आगे जावेद भाई हैं, ऑपरेटर साहब को मिला है, और उनके पीछे एक लोडर है SDLG का। तो दोस्तों अभी इनसे पूछेंगे कि ये लोडर पे कितने साल से ड्यूटी कर रहे हैं, और लोडर कौन से कंपनी का है, ओरिजिन क्या है, लोडर के बारे में जानकारी लेंगे, इनसे भी लेंगे। तो जावेद भाई, ये कौन से कंपनी का लोडर है? ये SDLG का L958H सीरीज है। एच सीरीज है। लगभग ये इंडियन मार्केट प्राइस में कितने का आती है? ये 75 से 80 के लाख के आसपास में इसका दाम। और इसका कंपनी ऑफ ओरिजिन कहाँ से बन के आती है, कौन से कंपनी का, मतलब कौन से देश का लोडर है, ये कहाँ से बन के आई है? सर ये मेड इन चाइना होगा। जैसे कि ये मेड इन चाइनीज लोडर है, ये एच सीरीज का लोडर है, और लगभग इंडियन मार्केट प्राइस में इसका कॉस्ट जो है 75 से 80 लाख में आता है। जैसे बताइएगा इसका बकेट के बारे में, बताइएगा इसका बकेट जो है लगभग कितने टन का है? ये बकेट जो लगा हुआ ये आयरन बकेट है जी। इस बकेट का कैपेसिटी है 3.5 टन जी। इसमें एक कोयला बकेट आता है, जो वो कोल बकेट का कैपेसिटी होता है 5.5 टन। 5.5 टन ये जो बकेट नॉर्मल बकेट है 3.5 टन का है, कोयला बकेट 5.5 टन का आता है। जावेद भाई इसमें सेंसर लगा हुआ है कि आप कंप्यूटर में दे सकते हैं कितना तोल सकते हैं? सर इसमें तो वेडोमीटर लगा नहीं हुआ है जी। ठीक है, वो बेसिकली हम लोग जब रैक लोडिंग करते हैं उसमें वेडोमीटर आता है। हालांकि दोस्तों ये लोडर जो है माइंस में भी चल रहा है, तो माइंस में अभी वेट का कोई मतलब नहीं है, हम लोग बस रोड बनाने और फेस बनाने का काम में आता है। लेकिन जो रैक लोडिंग करता है, जो लोडिंग करता है ना, जिस बकेट से हम लोग लोडिंग लोडर से लोडिंग करते हैं, उस पर वेडोमीटर लगा हुआ है। तो आप जो बकेट में जितना तोलते हैं माल, वो आपको वेडोमीटर कंप्यूटर में आपको शो कर जाता है, उस हिसाब से जो है पेलोडर वाला लोड करता है। हालांकि जावेद भाई जो है हमारे विदेश से रिटर्न है, विदेश भी जा चुके हैं, इसे उसके बाद माइनिंग कंपनी में घुसे हैं, हालांकि बहुत अच्छा ऑपरेटर है। तो चलिए जावेद भाई से जानते हैं कि लोडर अंदर का फंक्शन क्या क्या है, और लोडर कैसे चलाते हैं, और इनके मतलब जानेंगे कि इसमें स्कोप क्या क्या है। तो वीडियो में बने रहिए जावेद भाई, चलिए लोडर के अंदर चलिए। तो जैसा कि देख चुके हैं जावेद भाई हमारे लोडर के अंदर बैठ चुके हैं, ये लोडर का पूरा फंक्शन है, पूरा कैबिन है, स्टेयरिंग है, जावेद भाई सीट पे बैठ चुके हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि सीट के एडजस्टमेंट के बारे में, और जो भी चीज है लोडर के बारे में अंदर में, उनसे हम जानकारी लेंगे। जावेद भाई थोड़ा सीट एडजस्टमेंट के बारे में बताइएगा, सीट को आप कैसे एडजस्ट करते हैं? ये यहाँ पर एक बटन है जी, इसको दबा के हम सीट आगे कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये है पुश बैक, इसको दबाकर हम सीट पीछे और आगे कर सकते हैं, पुश बैक से ना। हाँ जी बिल्कुल। जो जावेद भाई लोडर इतना गंदा क्यों रखे हैं आप? ये अभी बारिश का टाइम चल रहा है ना, तो मड ज्यादा है, इसके वजह से ये नीचे सेफ्टी के लिए मैट गंदा ना हो बोल के जी ये बिछाया हुआ है। अच्छा, तो जावेद भाई बताइएगा लोडर के फंक्शन के बारे में, क्या क्या इस पे फंक्शन होता है स्टेयरिंग पे, वो चीज बताइएगा। व्हील स्टेयरिंग, तो ये 3-स्कोप व्हील स्टेयरिंग है, इसमें कुछ है नहीं कंट्रोलर जी। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये गियर सिलेक्टर है। अच्छा, जिसमें कि 4 गियर है, 4 फॉरवर्ड है, 4 रिवर्स है जी। ठीक है, आप सामने ला के यहाँ पे देख सकते हैं ये गियर का फंक्शन है जी। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करके देखिए ये ऑप्शन है जी। इसमें हम 4 नंबर में फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, 4 रिवर्स भी है जी। ठीक है, फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है जी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हैंड ब्रेक है जी। इस तरह से अगर हम पुश करते हैं तो ये हैंड ब्रेक वर्किंग में है, और अगर इस तरह से राउंड करके अगर लेते हैं तो ये रिलीज हो गया जी। ये यहाँ पर हजार्ड लाइट है जी। ये आपका स्पीडोमीटर वगैरह जो है, एक बार चाबी ऑन करके दिखाएंगे। ये स्विच है जी, ये हमारा पूरा सिस्टम जो है SDLG का ऑन हो गया है, लोडर ऑन हो गया है। इसे बताए तो कौन कौन सा फंस, मतलब कौन कौन सा जो है बता रहा है आपके डिस्प्ले में, कौन कौन किसके लिए बता रहा है? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मेरा फिंगर जहाँ पे है जी, ये AdBlue का काटा है। ठीक है जी, मतलब AdBlue डलता है, ये BS6 मॉडल है जी। ये हो गया आपका इंजन हीट का, इंजन ऑयल। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ट्रांसमिशन का है जी, और ये फ्यूल का है जी, ये बाकी RPM का है, RPM हो गया। अच्छा जावेद भाई, बहुत सारे लोडर ऑपरेटर को पता नहीं होता है कि AdBlue क्या होता है, आप AdBlue के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? AdBlue BS6 में इको फ्रेंडली के लिए, जो जैसे कि धुआं जो बर्न होता है ना जी जी, उसके लिए पॉल्यूशन ना हो बोल के AdBlue सिस्टम में ऐड किया गया, ये BS6 मॉडल से आ रहा है जी। हाँ जी, तो मतलब AdBlue जो है धुआं को कंट्रोल करने के लिए AdBlue डाला जाता है लोडर पे या कोई भी मशीन पे, AdBlue उसके लिए। बहुत सारे पुराने लोडर में AdBlue नहीं डाला जाता है, लेकिन जो BS6 मॉडल है उस पे आप AdBlue डाल के ही चलाना है, AdBlue नहीं रहेगा तो वो लोडर नहीं चलाना है ना जी।
वो इको फ्रेंडली से उसको साथ परमिशन ग्रांट नहीं होता है वैसे में। चलिए उधर स्विच के बारे में बताइएगा, राइट साइड में कौन कौन सा स्विच है? ये स्विच तो आपका ये वाइजर का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइपर जो है ये हो गया सिस्टम, ठीक है। ये डी क्लच है ट्रांसमिशन से जी। ये हेडलाइट हो गए, ये सायरन लाइट हो गया ऊपर में, ये बकेट लॉक सिस्टम का है। अच्छा, बकेट लॉक सिस्टम, ये बिल्कुल बकेट लॉक सिस्टम का है जी। ये कंट्रोलर है जी, और यहाँ से सिस्टम कंट्रोलर म्यूजिक सिस्टम का जो भी है फोन कट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, सीट हीटर है जी। बाकी यहाँ फंक्शन जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये फंक्शन वर्क करने के लिए है, ये कंट्रोलर है। थोड़ा ब्लेड के बारे में बताइएगा जावेद भाई, ये जैसे आपका जो गियर है यहाँ से ब्लेड को कैसे कंट्रोल करते हैं? हाँ जी, ये है मेरा लीवर जी, जो बकेट कंट्रोलर लीवर है, ठीक है। यहाँ पे दो स्विच देख रहे हैं जी, ये हाइड्रोलिक कंट्रोलर है स्पीड फास्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसको पीछे की तरफ लिफ्ट करते हैं जी, तो बूम मेरा ऊपर उठेगा, नीचे की तरफ अगर पुश करते हैं तो बूम डाउन होगा, लेफ्ट में बकेट फोल्ड होगा और ये खुलेगा जी। बिल्कुल जी, तो एक बार करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल आप जी। बिल्कुल देखिए, जैसे लोडर में हम बैठ चुके हैं और जावेद भाई दिखाएंगे कि कैसे होता है आपका। देखिए आप जावेद भाई थोड़ा ट्राई कीजिएगा, तो अगर जैसे जैसे ऊपर कर रहे हैं वैसे देखिए बकेट जो है ऊपर जा रहा है, पीछे करने से लीवर पीछे करने से बकेट ऊपर जा रहा है। लीवर को अगर हम डाउन करेंगे, डाउन कीजिए जावेद भाई, डाउन कीजिए तो बकेट आपका नीचे जा रहा है। अगर बकेट मोड़ना है तो लेफ्ट दबाएंगे ना। बिल्कुल, ये लेफ्ट साइड में अगर हम करते हैं तो बकेट मेरा फोल्ड हो रहा है। अगर हाँ, बकेट फोल्ड हो रहा है और राइट करने से बकेट खुलता है। अगर इधर रिलीज करते हैं तो बकेट फोल्ड मेरा खुल रहा है जी। जावेद भाई थोड़ा गियर के बारे में बताइएगा, गियर ब्लेड के बारे में बता दिए और थोड़ा गियर के बारे में बताइएगा, जैसे ये गियर कैसे लगता है? जी बिल्कुल, अभी ये न्यूट्रल मोड में है। अभी ये न्यूट्रल मोड में है। देखिए दोस्तों, इसमें आगे जो है आगे फ्रंट गियर हो गया, ये न्यूट्रल मोड हो गया बीच में, और जो पीछे हो गया रिवर्स मोड हो गया। तो अभी बीच में है, इसका मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल फॉरवर्ड में भी चार गियर है और बैक में भी चार गियर है, तो चार गियर है। तो अभी जैसे फ्रंट में हम एक नंबर, अभी देखिए दोस्तों अभी इसे एक नंबर गियर में है। जो दागी दागी है दोस्तों, वहां पर एक नंबर दो नंबर करना पड़ता है घुमा घुमा के, जिस दागी का आगे वही गियर लगेगा। तो इसे अभी हम फ्रंट गियर लगाएंगे। जब थोड़ा फ्रंट गियर लगा के दिखाइए, तो इसे आगे कर दिया दोस्तों, तो मेरा लोडर जो है आगे बढ़ने लगा। देखिए ये लोडर आगे बढ़ने लगा एक नंबर में। उसके फिर अगर रोकना है तो फिर उसको बीच में कर दिए तो न्यूट्रल हो गया। फिर बैक लेना है तो तुरंत बैक लगा दिए एक नंबर गियर में, तो बैक होने लगा। जैसे जैसे हम अपना एक्सलेटर दबाएंगे वैसे 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 लोडर जो है पीछे जाने लगेगा। जावेद भाई आप जो पैर से कंट्रोल कर रहे हैं लेफ्ट साइड में क्या है? ये ब्रेक पैडल हो गया। अच्छा, ब्रेक पैडल हो गया जी। और ये साइड में एक्सलेटर पैडल है जी। राइट साइड में दोस्तों एक्सलेटर पैडल है, लेफ्ट साइड में ब्रेक पैडल है। एक्सलेटर जैसे ही चापेंगे वैसे आरपीएम बढ़ेगा, ब्रेक दबाएंगे लोडर रुक जाएगा। तो ये दोस्तों फंक्शन है। आप अगर देखिए इसमें ज्यादा लोडर में ज्यादा कुछ फंक्शन नहीं होता दोस्तों, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल होता है। लोडर में दो फंक्शन आपको एक साथ काम करना बंद कर दीजिए जावेद भाई। लोडर में दोस्तों जैसे आपका कुछ और ज्यादा काम नहीं है, लोडर में आपका दो फंक्शन होता है। गियर को कंट्रोल करना पड़ता है, साथ साथ ब्लेड को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि दोनों फंक्शन है। एक हाथ से आप स्टीयरिंग कंट्रोल करते हैं, एक हाथ से आप ब्लेड को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ये दो ही चीज जो है जिसका काम है लोडर पे एक साथ काम करना है। गियर को एक हाथ से कंट्रोल करना है, एक हाथ से उसको करना है। मतलब एक आदमी जो है दो चीज कंट्रोल करेगा जिससे लोडर चलेगा। तो जावेद भाई बता दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और जावेद भाई बताइएगा कि स्कोप इसमें क्या क्या है? अभी जो सैलरी मिल रहा है माइनिंग में उस पे आप खुश हैं? हाँ जी, अभी तो जो मेरा सैलरी है बेसिकली कोल इंडिया का, जो आप सर्च कर सकते हैं कि जो अभी कोल इंडिया का जो करंट सैलरी है जी वो क्या है। और स्कोप तो बहुत सारा कोल माइंस में है, कंस्ट्रक्शन एरिया में है, इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में भी है जी बेसिकली। और ये एक अच्छा स्रोत है मेरे ख्याल से अभी। मतलब इस सैलरी से आप खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो खुश हैं। और जावेद भाई जैसा कि आप विदेश रिटर्न है, आप लोडर में लोडर ऑपरेटर करके आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेश में भी कमा सकते हैं। जैसा आप कंट्री में जाइएगा वैसा आपको मिलेगा, इंडिया से दो चार पैसा 10-20 हजार ज्यादा मिलेगा, और जाके वो आप सीख के जा सकते हैं अगर आपको विदेश घूमने का शौक है तो। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं लोडर के बारे में या कोई चीज के बारे में, जैसा कि आप लोग पूछेंगे वैसे वैसे मैं जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। और जावेद भाई से अगर कोई चीज पूछना है तो आप मेरे पर कमेंट कर सकते हैं, मैं जावेद भाई से जानकारी लेकर आप तक पहुंचाऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।